नवंबर को आम आदमी पार्टी को सतपुते बेकरी के खिलाफ शिकायत मिली। शिकायत थी कि सतपुते बेकरी में एक्सपायर्ड खाना बेचा जा रहा था और 5 साल की बच्ची को फूड पॉइजनिंग हो गई। वहां जाकर उन्होंने ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन को लिखित शिकायत दी। हालांकि कई उत्पाद एक्सपायर पाए गए। उन्होंने कार्रवाई की और एक्सपायर्ड उत्पादों के स्टॉक को जब्त कर लिया और आश्वासन दिया कि उक्त कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी। उक्त कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, तालुका सचिव सुमित हस्तक, सूरज शाह, सचिन पाटिल, तालुका के कोषाध्यक्ष राजकुमार चट्टे, तालुका के उपाध्यक्ष विनीत निमसरकर, शहर सचिव विजय सपकाल, सुनील राम टेके और अन्य अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। उक्त शिकायत तालुका सचिव सुमित हस्तक और सूरज शाह की अध्यक्षता में की गई थी। मैं सुमित हस्तक, आम आदमी पार्टी तालुका सचिव। आज आम्हाला तक्रार अशी मिळाली की सातपुते बेकरी मध्ये आउट ऑफ डेट म्हणजे एक्सपायरी डेट झालेला माल विकण्यात येत होता। तर त्या अनुषंगाने आज आम्हाला तक्रार अशी मिळाली की एका मुलीने तिथं फेंटा नावाची कोल्ड ड्रिंक तिथून घेतली व ते पिल्यानंतर तिला फूड पॉइजनिंग झालं। फूड पॉइजनिंग झाल्यानंतर लक्षात असं आलं की हे सगळा जो माल आहे तो आउट ऑफ डेट झालेला आहे, एक्सपायरी डेट झालेला आहे, तर त्यामुळे तिला फूड पॉइजनिंग झालं। सदर जशी तक्रार आमच्यापर्यंत त्या व्यक्तीने दिली, तसंच मी आणि सूरज शहा यांनी सातपुते बेकरीमध्ये जाऊन बघितलं तर तिथे आढळून आलं की खूप साऱ्या प्रमाणात साठा तिथे एक्सपायरी डेट झालेला मिळाला।